से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं बांग्लादेश का काम तमाम कर दिया। वर्ल्ड कप से पहले धोनी का धमाका, धोनी ने जड़ा धमाकेदार शतक, माही है तो मुमकिन है। बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में धोनी ने 78 गेंदों पर शानदार 113 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में धोनी ने 8 चौके लगाए तो 7 दमदार छक्के भी जड़े और धोनी की इस दमदार पारी के दम पर टीम इंडिया 359 रन का बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही। धोनी ने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। इससे पहले धोनी ने अपना आखिरी शतक जनवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। धोनी 2019 में खेले 9 वनडे में 81.75 की औसत और 4 अर्धशतकों के साथ 327 रन बना चुके हैं। और चलिए बात कर लेते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सर से। मनिंदर सर, बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, क्या लग रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले अपनी लय वो पकड़ चुके हैं? बिल्कुल पकड़ चुके हैं। अगर आप इस साल की शुरुआत से ही देखें, मुझे लगता है कि खूब मेहनत की है उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर, क्योंकि पिछले साल तक हम देख रहे थे कि धोनी के बैट के ऊपर बॉल अच्छी तरह से नहीं लग रही थी और अटकलें लगाई जा रही थी कि रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए और कंटिन्यूस क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी और इस साल की शुरुआत उन्होंने जिस तरह से की, ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने रन बनाए, इंडिया को मैचेस जिताया अपनी बैटिंग के बल पर, उससे पता चल रहा था कि उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर कितनी मेहनत की है। सो इससे एक चीज़ पता चलती है कि एक खिलाड़ी को ये पता है कि उसकी रेप्यूटेशन क्या है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और फिर धोनी की क्वालिटी के क्रिकेटर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो वो इस समय कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन बनाए, फिर IPL में भी बेहतरीन लय में रहे और जिस तरह से कल के मैच में बैटिंग की वो लय बरकरार रखी। सो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इंडियन टीम के लिए और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, विकेट कीपिंग तो बेहतरीन करते हैं, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए। और मनिंदर सर, क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया या फिर अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको कमी लग रही है, सुधार किया जा सकता है? नहीं, देखिए ओपनिंग स्लॉट जो है वो एक चिंता का सबब अभी भी बना हुआ है क्योंकि रोहित शर्मा के बैट के ऊपर ठीक से बॉल नहीं लग रही है। शिखर धवन खोए खोए से लग रहे थे दोनों मैचेस में और रोहित शर्मा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं, जो कि लेना पड़ेगा इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, जिस तरह से शुरू में बॉल यहाँ पर स्विंग करेगी, जब बॉल स्विंग करनी बंद हो जाए तो आप अपने शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के बैट से वो भी नहीं हुआ। सो वो एक एरिया मुझे लगता है ऐसा है जहाँ पर कि अभी भी एक कंसर्न है, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और शिखर धवन, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, ये जब भी रन बनाएंगे इतनी तेजी से रन बनाते हैं कि मैच के ऊपर उसका असर बनता है। लेकिन फिर जिस तरह से मिडिल ऑर्डर ने बैटिंग की, अगर आप KL राहुल की बात करें जिन्होंने नंबर 4 पर आकर शतक लगाया, जो कि एक कंसर्न था इंडियन टीम के लिए कि नंबर 4 पर कौन खेलेगा, और महेंद्र सिंह धोनी की लय, फिर हार्दिक पांड्या की लय, मुझे लगता है कि वो कवर कर सकते हैं अगर आपके ओपनर्स रन नहीं बनाते। लेकिन अगर आपके ओपनर्स रन बनाना शुरू कर दे तो आप ये कह सकते हैं कि सभी एरियाज कवर कर लिए इंडिया। बिल्कुल मनिंदर सर, वैसे तो पूरी टीम के ऊपर ही जीत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को आगे जाना है तो महेंद्र सिंह धोनी पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, आप क्या मानते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से हमने ओपनर्स की बात की, रन नहीं बना रहे, महेंद्र सिंह धोनी का रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप पहले एक दो विकेट्स जल्दी खो देते हैं उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर को संभालनी पड़ेगी इंडियन इनिंग्स। और धोनी की खासियत क्या है कि खुद तो रन्स बनाते हैं लेकिन अपने साथ जो बैटिंग कर रहा हो उसके साथ भी बड़ी पार्टनरशिप्स करते हैं, और ये धोनी की बहुत बड़ी खासियत रही है। और सबसे बढ़िया बात कि मैचेस को फिनिश करते हैं, जो कि वो उन्होंने फिर से करना शुरू किया है, जो कि हमने इस सीजन की शुरुआत से देखा है। सो जो उनका एटीट्यूड दिख रहा है, जो उनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें भी पता है कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, इसे यादगार बनाना चाहेंगे और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ इंडिया को जिताना चाहेंगे। बिल्कुल मनिंदर सर, बल्लेबाजों के ऊपर तो दारोमदार होगा ही, साथ ही साथ गेंदबाजों पर भी बड़ा दारोमदार रहने वाला है। तो बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, क्या लगता है आपको कि वर्ल्ड कप में बाकी टीम्स के लिए ये दोनों एक चुनौती होने वाले हैं? देखिए कुलदीप यादव ने जिस तरह से IPL में बोलिंग कर रहे थे, जिस तरह से उनकी बोलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रन्स गए थे, बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए थे, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया था। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने विकेट्स लिए, जिस तरह से बोलिंग की है और जिस तरह से टीम मेंबर्स उनको हैंडल कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और उनके कॉन्फिडेंस बढ़ने से इंडियन कैप्टन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, क्योंकि ये दोनों बॉलर जिनकी आप बात कर रहे हैं, चहल और कुलदीप यादव, मुझे लगता है ये मैच विनर्स हैं इंडियन टीम के लिए, और ये जब इन टैंडम बॉलिंग करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कल के मैच में भी दोनों ने मिलकर 6 विकेट्स लिए, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है। एक महेंद्र सिंह धोनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और फिर आपके स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते हैं।
बिल्कुल, तो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर दारोमदार रहने वाला है और गेंदबाजों पर भी अच्छी खासी जिम्मेदारी इस वर्ल्ड कप में रहने वाली है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने धमाकेदार शतक से वर्ल्ड कप का बिगुल बजाया, तो लोकेश राहुल ने भी विराट की सबसे बड़ी टेंशन खत्म कर दी है। पहले प्रैक्टिस मैच में कुछ खास नहीं करने वाले लोकेश राहुल ने दूसरे प्रैक्टिस मैच में ऐसी दमदार पारी खेली कि विराट भी अब कहने लगे हैं कि उन्हें नंबर 4 का चैंपियन मिल गया है। कैसे लोकेश राहुल ने टीम इंडिया की नंबर 4 की सबसे बड़ी उलझन को खत्म कर दिया है, देखिए।